पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई, 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 भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सा स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिससे आप किसी के भी मेज से एक अच्छी सी वीडियो क्रिएट करके उन्हें बर्थडे विश कर सकते हो सबसे अलग तरीके से। सो हे बडीज, आई एम पूजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के वीडियो क्रिएट करना चाहते हो और आपसे नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको क्रिएट करके दे सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करना होगा, आपको सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है, अगर अभी तक उस चैनल को विजिट नहीं किए तो प्लीज़ उसे जरूर विजिट कीजिए। उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको 1:1 की रेशियो को सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपको सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना, और आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको मीडिया पे जाना, और आपको वो इमेज ऐड कर लेनी है जिससे आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आपको टोटल 15 इमेज ऐड कर लेना है। ये हो गया है। अब आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपको इसमें विनियट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे इमेज में विनियट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपको ये क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है, और आपको इसके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को एडजस्ट करके इक्वल कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करके और आपको सारे के स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को एडजस्ट करके इक्वल कर देना है, ताकि इमेज इधर-उधर से क्रॉप ना हो। सो फ्रेंड्स, अब आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको फोटो गैलरी में जाना, और आपको इसके फर्स्ट वाले को ले लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फोटो गैलरी वाले ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी, जिसे अपनी वीडियो में यूज करना है। ये हो गया। अब आपको बैक आ जाना है। आपको अब फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब आपको 60:9 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपको मीडिया पे जाना है और आपको वो इमेज ऐड कर लेनी है जो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो। फिर आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपको क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करके आपको इसमें भी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को ऐड कर देना है। सो इस तरह आपको सारे इमेज में स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को ऐड कर लेना है।
ये हो गया फ्रेंड्स, अब आपको इसमें विग्नेट को ऐड करना है। सो आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपको विग्नेट वाले आइकन पे क्लिक करके आपको इसे ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे इमेज में विग्नेट को ऐड कर लेना है। ये हो गया है फ्रेंड्स, अब आपको इसमें भी ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करना है। सो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको न्यू पेज पे जाना है और आपको इसके फर्स्ट वाले को ले लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू पेज वाले ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है, अब आपको लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है और आपको इसमें विग्नेट को ऐड कर लेना है और आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। हो गया, फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको इसमें एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है। इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको यहां पे क्लिक करना है, आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपने जो एक्सपोर्ट वीडियो किया था आपको उसे ले लेना है और आपको इसे यहाँ पर सही से एडजस्ट करके ऐड कर देना है। ये हो गया है, फिर आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और आपने जिसके लिए वीडियो क्रिएट किया उसके नेम को लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है। सो आपको ये वाले फॉन्ट को ले लेना है और आपको इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। ये हो गया, अब आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। ये हो गया, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है। सो आपको ये वाले फॉन्ट को ले लेना है। ये हो गया है, फिर आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। फिर आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और आपको इसे स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और आपको क्रॉपिंग पे जाना है और आपको इसके बाहर निकले भाग को क्रॉप करके हटा देना है। ये हो गया है, फिर आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और आप वीडियो में जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है टेम्पलेट के सॉन्ग को म्यूट करके। फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी।